वैसे प्रणाम कर दी सर, मैंने तो वीडियो देखी थी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी थी। जानती हो हमको? यस सर। क्या नाम है चैनल का? जीएसपी खालपुरा। जीएसपी खालपुरा, अच्छा। कहिए से मेरा वीडियो देखने लगी? मैंने 10 तारीख से देखना शुरू किया था, जितने भी पोस्ट करते वेरिफिकेशन से रिलेटेड मैंने सब वीडियोस देखा था। सर के देखा देखा हम लोग लड़का पहचान जा रहा है सर। हाँ, हमको भी पहचान दे रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से बाबू? मैं बक्सर से हूँ सर। अच्छा, बक्सर से हो। क्या नाम हुआ तुम्हारा? रुचि कुमारी। कमेंट टूमेंट कभी मेरे की हो कि नहीं? यस सर, सब वीडियोस पे किए, पूछे भी हैं। अच्छा, लाइक आते लेकिन रिप्लाई नहीं करते हैं। मेरा, अच्छा ठीक है, अब रिप्लाई कर देंगे। मेरा वीडियो कब से देखना शुरू कर दी? मैंने 10 तारीख से, जब से मतलब आया था कि वेरिफिकेशन होने वाला है, कॉल आने वाला है, तो मैंने देखना शुरू किया था। हमारे वीडियो काहे देखने लगी? हमारा सर आपका सबसे ऊपर आया था, तो मैंने मेरा वीडियो पर विश्वास। हाँ विश्वास, क्योंकि आप यहाँ पर लाइव भी आए थे, मैंने देखा था। बाकी लोग का फेक था? वो सब फेक बना रहे थे। बाकी लोग तो 11 तारीख को रिजल्ट निकाल दिया था, ट्यूटोरियल वगैरह तो फेक बना रहे थे। 11 तारीख रिजल्ट निकाल दिया था तो हदती नहीं था? नहीं। कौन ट्यूटोरियल बोली है? अभिषेक ट्यूटोरियल। देखिए चैनल का बच्ची नाम धदी, हम नहीं की दे ले भाई चैनल का। हमने इतना डाल रहे थे कि रिजल्ट आएगा, 3 बजे आ गया, 2 बजे आ गया। अच्छा, हम रोज बोलते थे कि रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं, बहुत सारे बच्चे मैंने मुझे इतना ट्रस्ट हो गया आप पे कि आप यहाँ पर लाइव आए थे, दिखाए थे वहाँ से, वो भैया के यहाँ से उनका आप नंबर भी लेते, लाइव कॉल किए थे आप क्लास में, तब यकीन हो गया था नहीं रिजल्ट नहीं आया। आपको हमको क्या लगा जब हम वीडियो दिखा रहे थे? टीचर लग रहे थे कैसे, यूट्यूबर लग रहे थे? नहीं, टीचर थे सर, आप पढ़ाए भी है, मुझे पता है 200 बच्चों को पढ़ाते भी हैं। हाँ चलिए, अच्छा लगा। आप और बताइए, आपका टॉपर का कॉल मैट्रिक में भी आया था? नहीं, मैं मैट्रिक सीबीएसई से थी। मैट्रिक सीबीएसई से थी, इंग्लिश मीडियम से थी जी। देखिए बहुत सारे बच्चे मेरे यूट्यूब में कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे का कॉल नहीं आता है, तो यहाँ पर मिली है रुचि छोटी बहना बक्सर जिला से, जो कि मेरी पड़ोसी है छपरा, हम लोग भी नदी पार करते हैं तो बक्सर आ जाते हैं, और इनका आया है इंग्लिश मीडियम वाला कॉल। साइंस आर्ट्स कौन सा स्ट्रीम है? आर्ट्स स्ट्रीम है, लेकिन सभी पेपर का सॉल्व इंग्लिश में की थी, तो ये पढ़ाई कहाँ से की इतना बढ़िया? जी मैंने ऑफलाइन कोचिंग सर से की थी और मैंने एजुकेशन बाबा से इंग्लिश का क्लास। एजुकेशन बाबा सर आपको मतलब आर्ट्स में इतना बढ़िया नॉलेज दे दिया जिसके कारण से आप टॉप कर गई? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर को, मतलब कितना क्रेडिट देना चाहेंगी? कौन सी सबसे पहले एजुकेशन बाबा ऐप के बारे में आपको कैसे पता चला? मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ा था। आने वाले बच्चों को क्या कहना चाहिएगा कि मतलब जो बच्चे हैं एजुकेशन बाबा ऐप पर जाकर जुड़ के पढ़े कि नहीं पढ़े? आराम से पढ़े, बहुत पढ़े, पिछले साल भी सबका रिजल्ट बहुत ही अच्छा निकला था। यूट्यूब पर भी आने पर बहुत सारे चैनल बहुत सारे ऐप पड़े हैं, तो आप तो मान लीजिए टॉपर वेरिफिकेशन में आ गए। आपके अनुसार से एजुकेशन बाबा बेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन के लिए? ऑफलाइन में कौन से सर से पढ़ी थी? आई कैन से ये मेरे सर हैं ऑफलाइन। नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा बच्ची से पहले बात कर लेते हैं सर, आपसे बात करते हैं। तो आपको जब कॉल गया तो कल रात को ही यहाँ पे आ गए क्या, सुबह आई है? नहीं, मैं रात को ही आ गई, फिर रात को सर का कॉल आया था 7 बजे। दो चक्का से है कि 4 चक्का से? मैं गांव से आया। अच्छा, दो तीन क्वेश्चन हम और बच्चा से लेते हैं। रात भर नींद लगा है कि नहीं लगा है? सच सच बोलना है, नहीं ना लगा है? कोई बोल रहा है कि लगा है तो झूठ बोलेगा। नहीं लगा है, 1 बजे रिवीजन के लिए उठे, अंदर से प्रेशर में थे। हाँ था। तो आज कितना तारीख है? आज 20 तारीख है। 21 तारीख वाले बच्चे को बता दें कि आप लोग प्रेशर ना, 21 तारीख वाले बच्चे आपके तरह ना सोए कि सोए? नहीं देखिए, जिनको मतलब है कि हम कर चुके हो गया है तो थोड़ा रिलैक्स हो गए, लेकिन अंदर में क्या क्या आपसे पूछा गया? हिस्ट्री से मतलब सारा सब क्वेश्चन टच किए गए, हिस्ट्री से राइटिंग वगैरह भी आया गया। हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों। आपको कैसा लगा अंदर का बिहेवियर? अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छे थे। मिठाई का कोई डिब्बा मिला? आप रोटी मिठाई खिलाएगी नहीं? अब इतना दिन हम यूट्यूब पर आप लोग के लिए सच्चा न्यूज दिया है तो मिठाइयाँ खिलाएगा नहीं? अच्छा खिलाना नहीं, ना रिजल्ट आएगा वो हम बोलते हैं। बच्ची बोली ना कि मिठाई खिलाएंगे, बहुत ज्यादा है सर। ये मेरे को केवल प्रणाम कर ली, आप तो इनके गुरु जी हैं, आप तो इनको पढ़ाए हैं, एजुकेशन बाबा ऐप से पढ़ी है तो बात अलग है। एक बार बच्ची केवल मेरे को प्रणाम कर ली है ना यहाँ पर, तो अंदर से मेरे को ये बात खुशी हुआ कि चलिए यूट्यूब पर मेरे को देखती है, मेरे चैनल को देखी है, प्रणाम कर ली, बहुत ज़्यादा है। और आप लोग तो पढ़ाए हुए हैं तो आप लोग का बात छोड़ दीजिए, आप लोग के अंदर से कैसा मतलब अंदर से सर आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? बहुत 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 गर्म महसूस हो रहा है। इसके रात भर हम नहीं सोए हैं, इसके पहले नहीं सोए हैं रात भर। इसके पहले भी बिहार बोर्ड में आप आए हुए हैं? हाँ आए हुए, नहीं सर आए हुए नहीं, पहली बार है। टॉपर फिर तीन साल दिए है सर, ये टॉपर बक्सर जिला। गांव में पढ़ाते हैं सर? नहीं बक्सर में, प्रॉपर बक्सर, प्रॉपर आर्ट्स में। आपके मतलब वहाँ पे कोचिंग में बच्चे मिल जाते हैं? बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, हमारे 20 साल से पढ़ा रहे हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, संस्कार कोचिंग मेरा नाम है। बच्ची एजुकेशन बाबा ऐप से पढ़ रही थी तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब कुछ ऑफलाइन के गुरु होते हैं कि उनको लगता है कि ऑनलाइन वाले सर से पढ़ेंगे तो उनको बुरा लगता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी गुरु हैं मतलब सर के ऐसे कोई बात नहीं। आज यहाँ पर आपको बच्ची ले करके आई, इसके पहले आप रात भर नहीं सो पाए? हम नहीं सो पाए सर, नहीं सो पाए सर। आप तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे गुरु जी लोग हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप जो है मतलब हम लोग के उनमें से गुरु के गुरु लग रहे हैं, तो आप गुरु के
गुरु लग रहे हैं, तो आपसे हम केवल एक बात लेना चाहेंगे कि हम लोग पर भी कम से कम अपना आशीर्वाद दे दीजिए, कि कम आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद आशीर्वाद दीजिए, नहीं आशीर्वाद दीजिए। आपका मीडिया का अपना गरिमा है, आप लोग सही स्तंभ है और आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर। आप लोग आशीर्वाद चाहिए, आपको इतना अच्छा लगा ना, अच्छा यहाँ पर बहुत टीचर है, सब लोग अच्छा है, लेकिन सर इतने एज में मान के चलिए और आए यहाँ पर, हमको एक चीज अच्छा लगा कि आर्ट्स पढ़ाई होता है हमारे सारण जिला में, हम कह सकते हैं छात्र चौक करके नहीं लगभग पढ़ाई होता, कोई एक आध जगह पढ़ाता हुआ अलग बात है, साइंस का कोचिंग हर गली में, फिजिक्स भाई फलाना, केमिस्ट्री भाई फलाना, लेकिन हिस्ट्री भाई फलाना नहीं है। आपका कहना चाहिए कि आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, कि मतलब आर्ट्स के स्टूडेंट जैसे बच्चे आपका अपने आप से नाम लें, आर्ट्स के बच्चे आपसे कैसे जुड़े, कैसे आपके यहाँ पर गिरा, आप तो इंग्लिश हिंदी पढ़ाते हैं। देखिए हम लोग के यहाँ पे क्या होता है, हम लोग साइंस सभी को पढ़ाते हैं और स्पेशली आर्ट्स में हम लोग एक तरीके से भी हैं और अभी एडमिशन में भी ऑलमोस्ट उस रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ दिए हैं। इस हम लोग से बच्चे जुड़ने के लिए एजुकेशन मोबाइल ऐप पे जा सकते हैं। ये बच्ची हमको तो बहुत अच्छा, सर को इसके पहले लाइव में देखी थी कि बस पहली बार देखी हो सर? देखे तो सर का कॉल भी आया, मैंने सर को तो वीडियो पर ना देखी होगी, नहीं इससे पहले नहीं देखी थी, सामने से देखी हो तो कैसा फीलिंग हुआ ये पहले बताओ। देखिए सर को नहीं जाएगा, सर तो बहुत सारे छात्रों को पढ़ाते हैं, लेकिन तुमको कैसा लगा इसके बारे में? एजुकेशन वाला सर सामने आ गए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैंने सर को क्लासरूम से हाय करना शुरू कर दिया, सर क्लासरूम में थे तो सर बाहर थे, तो अंदर से हाय कर रहे थे दो तीन बच्चे। सर आप इस बात को नहीं समझते हैं, लेकिन जो बच्चा आपसे ऐप पर ऑनलाइन पढ़ते हैं, एक मिनट सर, अगर वो आपको सामने से मिल जाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा ये हम बता सकते हैं। जब हम एक टीचर है आप लोग से मिल जाते हैं तो हमको खुशी होता है, ये लोग तो बच्चे हैं। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले चंपारण के कुछ टीचर्स आए हुए थे मिलने के लिए स्पेशली, उन लोगों से बात हुआ तो उन लोगों से मिलकर भी अच्छा लगा। पिछले साल भी हम बहुत सारे टीचर लोग यहाँ पे वीडियो बनाया, हम जाके केवल फोटो उनके साथ डाल दिए थे, बच्चा लोग बोला कि सर आप उनसे मिल के आए हैं और आपसे मुलाकात हो गया, बहुत अच्छा लगा। हम गुरुजी से और बातें लेते रहेंगे। आप बच्ची को किस तरीके से मतलब गाइड करते थे? सर बच्ची को हमको 32 साल हो गया पढ़ाते हुए, 32 साल हो गया, साल हो गया सर। तो आज सबसे पहली बार हम, आपका क्वालिफिकेशन क्या है सर? हम एमए हैं सर, जगह एमए है, एम कॉलेज से, एम कॉलेज साल यही गुजारे हैं सर, हमको 17 साल यही गुजारे हैं सर, नेहरू नगर में रह करके। हमको नहीं लगता है कि कोई मतलब आपके जैसा एजुकेटर आज की डेट में होगा, नया वाला तो हम लोग भी है, हंसाते खिलाते ज्यादा है, लेकिन मतलब उतना ज्यादा आजकल थोड़ा पढ़ाई में भी मिसगाइडिंग हो रहा है। उसके बाद हम 4 सब्जेक्ट पूरा इसको पढ़ाए, आर 16 4 इंग्लिश पढ़ाइए सर, और इसको पूरा एक बात इसमें कैसियत था कि जो एक बात कह दीजिए ना उसको दोबारा नहीं कहना पड़ता था। सर एक और बात बोलेंगे आपसे कि आपको तो इतना अनुभव है, मान लीजिए कोई बच्चा काफी ज्यादा मेहनत किया, उसका अगर कॉल नहीं आया तो क्या कहिएगा? कहीं त्रुटि रह गई है सर, हम में भी कोई त्रुटि रह गई, त्रुटि रह गया तो आगे मेहनत करके आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर हमसे बात करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप तो मेरा चैनल नहीं देखे होंगे? नहीं सर अब देखेंगे, लेकिन GSP कलपुरा। चलिए बहुत अच्छा लगा, फोटो खींच लो दोस्त।